नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मध्यश्या और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। मथुरा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व योगानंद पांडे, वो आर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे विभिन्न अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने पहुंचे और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता से वार्ता करते हुए कहा कि नववर्ष का आरंभ सद्भाव से मनाएं। देखिए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय से ये रिपोर्ट। हम बता दें, आज एसपीओ साहब जो है मथुरा के, वो जो है आज मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे और जो है विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे सहित आला अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने आए। एसपीओ साहब, क्या संदेश देना चाहते हो ब्रजवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए? ब्रजवासियों का सभी नया साल जो है शुभ रहे और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी अपने स्टाफ को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर, आपसे इश्यूज को लेकर हम यहीं जाना, जैसा कि आप भी देख रहे हैं और कलेक्ट्रेट में बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण कराया है जिलाधिकारी पुलकित खरे साहब ने, खरे साहब के लिए क्या कहना चाहते हो? हमारे यशस्वी डीएम साहब जो हैं, बहुत अच्छा कार्य कराया है। यातायात में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, यहाँ चलना मुश्किल था, अब बहुत कायदे से सब लोग चलते हैं, आवागमन सुगम हो गया है और सुंदरीकरण भी बहुत अच्छा हो गया, पार्क का सुंदरीकरण हो गया है, गांधी जी की प्रतिमा बहुत शोभित अच्छी लगी गई है और इस कार्य के लिए डीएम साहब का कार्य बहुत ही अच्छी बधाई के पात्र हैं जी। और सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आपने जाना, अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, नववर्ष के आरंभ को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे और जिलाधिकारी पुलकित खरे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे और अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, विभिन्न अधिकारियों को ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी साहब ने जो है उनके कार्यालयों में आकर दी शुभकामनाएं और उन्होंने हमसे वार्ता करते हुए यही कहा कि हमने शुभकामनाएं दी हैं विभिन्न आला अधिकारियों को और नववर्ष का शुभारंभ सादगी सकुशलता के साथ करें, मथुरावासी। उन्होंने यही संदेश दिया।